25 साल बाद आज धुर विरोधी मायावती और मुलायम सिंह यादव एक साथ दिखेंगे। मैनपुरी में महागठबंधन की रैली में एक साथ मंच से भाषण भी देंगे। मैनपुरी में आज महागठबंधन की ऐतिहासिक रैली होगी। मुलायम के समर्थन में मायावती वोटों की अपील करेंगी। इस दौरान अखिलेश और अजीत सिंह मौजूद रहेंगे। महागठबंधन की रैली को लेकर तैयारियां जोरों पर। माया मुलायम एक साथ मंच साझा करेंगे। सभा स्थल पर पोस्टर लगा दिए गए हैं। फिरोजाबाद में शिवपाल सिंह यादव ने मायावती पर तंज कसते हुए कहा, मायावती पर कोई भरोसा नहीं कर सकता, गठबंधन अगर मुझसे मिलता तो मजबूती होती। मायावती और मुलायम सिंह यादव के संयुक्त रैली को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि दल मिले हैं, दिल नहीं मिला है। दिल में जो गांठे हैं, गुनाहों के गठबंधन में जो कांटे हैं, वो साफ दिखाई पड़ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बैन हटने के बाद आज फिर से लखनऊ के अलीगंज के हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव आयोग को धन्यवाद करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा, लोकतांत्रिक मूल्यों का मान विचारधारा का अंग है। चुनाव आयोग के आदेश का सम्मान किया। चुनाव आयोग को पूरा आदर किया गया है। केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने विवादित बयान दिया है। मनोज सिन्हा ने कहा है कि अगर गाजीपुर में किसी अपराधी ने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को उंगली दिखाई तो उसकी उंगली 4 घंटे में तोड़ दी जाएगी। आंख दिखाई तो आंख भी सही सलामत नहीं बचेगी। सलेमपुर से भाजपा के सांसद रविंद्र कुशवाहा को जनता ने दौड़ाकर खदेड़ा है। बीजेपी सांसद पुरैना गांव में वोट मांगने गए थे। 5 साल बाद गांव जाने पर लोगों ने गाली गलौज करके भगाया है। लखनऊ में कंप्यूटर बाबा प्रमोद कृष्णम का साथ देने नामदेव त्यागी पहुंचे। नामदेव त्यागी सैकड़ों साधुओं के साथ यहां पहुंचे। गाजीपुर में 25 दिन से अपहरण किशोर का पता नहीं चलने से ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। नाराज ग्रामीणों ने ऐलान करके जुलूस निकाला है। लखीमपुर खीरी में बीजेपी सांसद के बेटे ने खुलेआम धमकी का वीडियो सामने आया है। सांसद के बेटे पुलिस और तहसील प्रशासन को खुलेआम धमकी दी है। महाराजगंज में एक लेखपाल ने ट्राई साइकिल पर बैठे दिव्यांग की पिटाई कर दी। दिव्यांग ने लाभार्थी योजना को लेकर कुछ सवाल पूछे, जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हो गई। हापुड़ में पवन पुत्र बजरंगबली का जन्मदिन यानी हनुमान जयंती का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। हनुमान मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। गौतम बुद्ध नगर में जिला अधिकारी के निर्देश पर आबकारी विभाग ने शराब ठेकों पर सील कर रखी है। बियर को नष्ट भी किया गया है। बियर की पेटियों को टेंडर खत्म होने के बाद शराब ठेकों पर सील रखा गया है। 2 जुलाई से बंद होने जा रही है सिंगापुर की उड़ान। लखनऊ से सिंगापुर की सीधी उड़ान अब बंद हो जाएगी। उड़ान बंद होने से जेट एयर के 60 कर्मचारी निश्चित तौर पर प्रभावित होंगे। कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पुलिस जवानों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस में सवार 17 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। 5 जवानों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। उन्नाव में दबंगों ने घर में घुसकर प्रधान और उसकी मां को मार दिया है। घायल मां बेटे को कानपुर रेफर किया गया। यह घटना फतेहपुर चौरासी के पपरिया गांव की है। कानपुर देहात में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। खबर बुलंदशहर से। बुलंदशहर में हाथी के बजाय कमल के फूल का बटन दबाने से युवक ने उंगली काट ली। गलती से ईवीएम की बात है ये, ईवीएम का बटन दबाने के बाद ये हुआ, उंगली काट डाली उसने। सहारनपुर में दंपत्ति की कमरे में शव मिला है। दंपत्ति के साथ उसकी पत्नी का शव बेड पर मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। गाजियाबाद में एक सहेली ने दूसरी सहेली को घर बुलाकर नशीला पदार्थ पिलाया, अपने साथी के साथ मिलकर दुष्कर्म किया। कानपुर के परमठ मंदिर के सामने पार्क में शव मिला है, प्रेम प्रसंग।